गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बनाएंगे कड़ाई छोटे की कचौड़ी, मतलब मटर की कचौड़ी, एग्जैक्टली इन द बंगाली वे, जैसे बंगाली लोग खाते हैं, टिपिकल बंगाली वे ऑफ मेकिंग मटर की कचौड़ी। सो प्लीज़ वॉच द होल वीडियो एंड ट्राई आउट एट होम। तो कड़ाई छोटी की कचौड़ी में जो हम भाजा मसाला यूज़ करेंगे उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पे ये है सौंफ, ये है लौंग, और यहाँ पे है जीरा, और यहाँ पे दो सूखी मिर्च। तो इन सबको थोड़ा सा हल्का रोस्ट करके फिर इसका पाउडर बना के हम इसको यूज़ करेंगे कड़ाई छोटी की कचौड़ी बनाने में। और ये जब पाउडर बन जाएगा उसके पाउडर फॉर्म में हम यूज़ करेंगे, मतलब इसको रोस्ट करके हम पाउडर बनाएंगे। ये बनाने के लिए जो हम स्टफिंग बनाएंगे वो मटर का होगा, तो ऑब्वियसली इसमें मटर चाहिए। तो मैंने मटर को थोड़ा सा स्टीम कर लिया है। फिर यहाँ पर नमक यूजुअली मतलब चाहिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पर है कलौंजी, कालो जीरा, चीनी, यहाँ पे अदरक, यहाँ पे ग्रीन चिलीज मैंने थोड़ा सा लिया ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एवरेस्ट का हींग। एंड ये एक मसाला है जो मैंने थोड़ी देर पहले ही दिखाया था कि यहाँ पे क्या क्या मसाले हैं, वो मैंने रोस्ट करके उन सबको पाउडर बनाया, और मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है लास्टली, और बाकी जो मसाले मैंने रोस्ट किए थे वो सब है इसमें। एंड फिर यहाँ पर रिफाइंड ऑयल है, तो पूरा जो भी प्रोसेस होगा मैं रिफाइंड ऑयल में ही करूँगी, तो रिफाइन ऑयल यूज़ करेंगे। तो पहले जो स्टफिंग है मटर का, तो इसको हम पहले मिक्सी में पेस्ट बनाएंगे, तो पहले वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम दे देंगे मटर, बाद हम इसमें देंगे ये अदरक, और फिर ये कुछ ग्रीन चिलीज, उसके बाद थोड़ा सा चीनी एंड इतना सा नमक। अभी हम इस चीज़ को पेस्ट करेंगे मिक्सी में, अभी हम पानी नहीं देंगे, विदाउट पानी इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट ये बन चुका है एंड इसकी कंसिस्टेंसी लेट मी शो यू, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, एकदम कोई भी इसमें दाने नहीं होने चाहिए, बिल्कुल पेस्ट जो होता है वही होना चाहिए। तो अभी इसको हम कढ़ाई में इसको कुक करेंगे। तो कढ़ाई में हम अभी दे देंगे रिफाइंड ऑयल, अगर आप चाहो तो इस मतलब मस्टर्ड ऑयल में कर सकते हो, बट मैं रिफाइंड ऑयल में ही कर रही हूँ। तो तेल जब तक गर्म होता है तब तक हम इसमें दे देंगे हींग, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये जल जाएगा। फिर हम इसमें दे देंगे कलौंजी। तो तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है, ये जो पेस्ट है ना अभी हम इसमें दे देंगे। इसको हम धीरे धीरे ऐसे कुक करते रहेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए पूरी तरह से। तो ये पूरा मैंने इसमें दे दिया एंड आप देख सकते हो तेल पूरा ड्राई हो चुका है, एंड ये और भी ज़्यादा स्टिफ होने वाला है। तो इसके बाद ये जो भाजा मसाला मैंने बनाया था उसका हम करीबन एक चम्मच इसमें दे देंगे। फिर हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स, एंड इसको आप एक साइड से अपने हाथ से पकड़ लेना एक कपड़े की मदद से, क्योंकि ये जो पेस्ट है ना, ये स्टफिंग, ये बहुत स्टिफ हो जाता है, तो इसको ऐसे चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट जितना हार्ड वर्क उतना टेस्टी खाना, तो एग्जैक्टली वैसे बहुत टेस्टी बनता है। सो इसको आपको ये कुक करते रहना है जब तक ये पूरा स्टिफ ना हो जाए। तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है एंड ये ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अभी हम इसको सर्व करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस प्लेट में हम इसको ऐसे डाल के ऐसे स्प्रेड कर देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, एंड ये ठंडा होने के बाद और भी थोड़ा सा स्टिफ बन जाएगा। तो इसको अब हम ऐसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसका स्टफिंग यूज़ करेंगे। तो स्टफिंग जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम मैदा जो है डो हम बना लेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी, उसके बाद सॉल्ट, और उसके बाद थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ताकि अच्छा हो स्टफिंग, मतलब डो इसका अच्छा बने। और फिर हम इसे धीरे से मिक्स कर देंगे ताकि जो ऑयल पार्टिकल्स है वो इक्वली स्प्रेड हो जाए, क्योंकि अगर ऐसे लम्ब्स रह गए तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा। एंड फिर इसे हम गर्म पानी से मिक्स करके धीरे धीरे इसका डो बना लेंगे। तो मम्मी यहाँ पे मुझे हेल्प कर रही है डो बनाने में ताकि जो पूरी है वो अच्छी तरह से बने एंड सॉफ्ट हो।
तो यहाँ पे सब रेडी है, अभी बस हमें पूड़िया जो है वो तलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दे दिया रिफाइंड ऑयल, तो ये गर्म होने तक मम्मी जो पूड़ी का स्टफिंग है वो कर लेगी। तो ऐसे हमें ऐसे बॉल्स बना के उसे फ्लैटन करके फिर उसके अंदर स्टफिंग डालना है ताकि वो इवनली स्प्रेड हो जाए जब हम उसको बेलते हैं। तो ऐसे स्टफिंग लेके जितना क्वांटिटी उसके लिए सफिशिएंट हो उतना ही लेंगे, और एक्स्ट्रा वाला हम ऐसे गोल गोल करके उसको मतलब सेट कर देंगे अच्छे से, और फिर उसे धीरे धीरे बेल देंगे ताकि उसका स्टफिंग जो है वो बाहर से ना निकले। तो ऐसे हम इवनली इसको बेल लेंगे ताकि वो स्टफिंग स्प्रेड हो जाए, एंड धीरे से कढ़ाई में दे देंगे। और ये मेक श्योर करना है कि स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि अगर वो बाहर निकल जाता है तो पूड़िया जो है वो फूलती नहीं है। तो अगर स्टफिंग अच्छे से भरा जाता है तभी वो पूड़िया फूलती है अच्छे से, अगर स्टफिंग ना निकले बाहर। तो यही कुछ ऐसा हुआ है। तो अभी ये बन चुका है पूरी तरह से, इसको आप स्पेशली आलू दम के साथ खा सकते हो, तो वो उसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये रही हमारी मटर की कचौड़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है एंड वन ऑफ माय फेवरेट है अभी। सो विंटर्स में तो स्पेशल है ही, बट आप चाहो तो ये गर्मी के दिनों में भी खा सकते हो, बिकॉज टेस्टी फूड खाने के लिए कोई सीज़न नहीं चाहिए। और स्पेशली इसको आलू दम के साथ ज़रूर ट्राई करना। सो अगर रेसिपी अच्छा लगे देन लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय एवरीवन।